हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक सॉल्यूशन और उससे इम्पोर्टेंट टर्म्स। इन्हीं चैप्टर सॉल्यूशन है, उसके जैसे जो इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये टर्म हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। What is the meaning of solution? अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाए तो उसको नाम दिया जाता है सॉल्यूशन। तो एक लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। एंड इट कंटेन्स वन कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो बनता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि आप चीनी लीजिए और पानी में घोल दीजिए तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट एक फेज आपको दिखाई, केवल वाटर की फेज दिखाई दे देगी, चीनी की फेज नहीं दिखाई देगी, यानी कि होमोजीनियस हो गया, जिसमें एक ही फेज दिख रही है, सॉल्वेंट की फेज दिख रही है। इसलिए चीनी को पानी में घोलिए तब भी सॉल्यूशन बनेगा, नमक को पानी में घोलिए तब भी सॉल्यूशन बनेगा, अल्कोहल को पानी में घोलिए तब भी सॉल्यूशन बनेगा, H2SO4 को पानी में घोलिए तब भी सॉल्यूशन बनेगा। यानी एक जब कोई चीज मिलाई जाती है उससे जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होकर आता है उसी को नाम सॉल्यूशन देते हैं। एंड सॉल्यूशन कंटेंस टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आखिरकार ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या? तो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो अमाउंट में कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में ज्यादा होता है। यानी कि अगर हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मान लेते हैं हमने चीनी को पानी में घोला, तो ये वाटर है, ये हमने वाटर ले लिया और इसमें हमने शुगर घोल दी, चीनी घोल दी। तो अब यहाँ पर चीनी कहलाती है सॉल्यूट क्योंकि ये लेस अमाउंट में घोली गई होगी, और वाटर मोर अमाउंट में रहा होगा, ये कहलाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मीनिंग ये निकल के आया कि सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, या ये कह सकते हो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट हो जो सॉल्वेंट में घोला गया है। अब हम सॉल्वेंट को कैसे फिर डिफाइन करेंगे कि सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, यानी सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसमें सॉल्यूट को घोला गया है, या फिर ऐसे बोले कि सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व या विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। तो ओवरऑल सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से ही बनता है, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है सॉल्वेंट। अब एक बार कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा भूल जाता है कि अरे सर सॉल्यूट कौन सा था सॉल्वेंट, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इट इज ओनली द ट्रिक। सॉल्यूशन मैंने दोबारा लिखा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जरा लेटर गिन के देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है सॉल्यूट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर है सॉल्वेंट में। यानी जिस जो चीज़ कम है सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट कम है तो उसके लेटर भी कम है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूट के लेटर भी कम है। तो आप ट्रिक मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पूछा जाए सॉल्यूट कौन सा होता है, भूल गए कौन सा ज़्यादा था कम था, तो याद रखिए लेटर गिन लीजिए, लेटर कम है यानी सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो कम रहता होगा अमाउंट में, और सॉल्वेंट लेटर इसके ज़्यादा है। अब दोनों अगर मिला दिए जाएं तो मिक्सचर भी तो ज़्यादा ही बनेगा, यानी इसके लेटर गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये भी ज़्यादा आ गया। अब ये बाई चांस है कि जब लेटर बने तो ये सोच के नहीं बनाया गया होगा, लेकिन याद करने का एक अच्छा तरीका है, अच्छी ट्रिक है कि आप सॉल्यूट वो कंपोनेंट जिस जो अमाउंट में कम दिख रहे हैं, लेटर भी कम, सॉल्वेंट वो अमाउंट वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, लेटर भी ज़्यादा, सॉल्यूशन ओवरऑल मिलकर के भी ज़्यादा ही बनता है। तो ये एक मैंने तरीका बनाया। अब आपको मैं बताता हूँ कि सॉल्यूशन जो टर्म है इसमें हम लोग कौन कौन से, इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे हम लोग मोलैरिटी,
ये टर्म है मोलैरिटी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है मोलैरिटी। इसको अगर डिफाइन करें तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लीटर में है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुने, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम आपने जैसे यहाँ 1000 नहीं लिखा है, यहाँ लीटर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर आपने यहाँ ml लिखा है, मेरी बात को ध्यान समझते रहिए, ml लिखा है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तब भी ये लीटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने फार्मूला बना दिया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, नीचे आ जाएगा मोलर मास, mm लिख दिया मैंने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और ml में रखिएगा क्योंकि ऊपर 1000 ऑलरेडी लगा दिया है। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, कैपिटल m इज इक्वल टू इसे w2 मान लीजिए, इंटू 1000 कर दीजिए, नीचे ले आइए m2 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम v मान लीजिए, ml छोटा सा लिख दीजिएगा। ये फार्मूला जनरेट हो गया मोलैरिटी का, बड़ा सिंपल सा है, खूब आता है, खूब न्यूमेरिकल आते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, शॉर्टकट भी लिखा जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी भी लिख सकते हैं हम लोग, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 लगा दीजिएगा, और अगर ml नहीं है, लीटर है, तो एन अपॉन वी ही रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने मोलैरिटी, यूनिट भी बता देता हूँ, मोलैरिटी की यूनिट जो है, यूनिट आएगी आपकी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यूनिट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, ऐसे लिखिए, या मोल पर लीटर ऐसे लिख दीजिए, या हम लोग इसे मोलर के नाम से भी जानते हैं, MOLR मोलर। तो अब आखिरकार कोई कहता है कि तुमसे वन मोलर को डिफाइन करो, यहाँ मैंने लिखा वन मोलर, मान लेते हैं हम यहाँ वन मोलर को डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वन मोलर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ सॉल्यूट, वन मोलर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक मोल सॉल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन में अगर घोल दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलैलिटी की, किसकी बात करते हैं, मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले फार्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहां पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां वहां वॉल्यूम था, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको फिर ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अभी मैंने ब्रेक करके दिखाए थे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में रखिएगा क्योंकि ऊपर 1000 लिया है, तो आपके सामने एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फिर से सुनाता हूँ, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसकी यूनिट भी, इसको डायरेक्ट अगर शॉर्टकट करना चाहो तो m इज इक्वल टू w2, यहाँ पर वही m2 लिख दीजिए, नीचे w1 ले लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर 1000,
ये बन जाता है। यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट लिख सकते हैं, मोल पर केजी होती है यूनिट, या इसको हम लोग मोलल के नाम से भी जानते हैं, मोलल। अब वही बात यहाँ पर भी आती है कि आखिरकार वन मोलल होता क्या है। वन मोलल तो वन मोलल का मतलब है व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड वन मोलल सॉल्यूशन। जैसे वहाँ वन मोलर सॉल्यूशन था वैसे यहाँ वन मोलल सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हुआ होगा आपको, ये अब बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाई भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्स भी बोलते हैं, आप चाई बोलिए, इट इज़ ए बेटर टर्म। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने की पहले कोशिश करते हैं, पहले हम आपको समझाते हैं कि हमने दो कंपोनेंट ए और बी ले लिए, यानी कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया उसमें एक कंपोनेंट का नाम ए है, एक कंपोनेंट का नाम बी है। तो अब हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। और अगर हम लोग चाई बी यानी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बी कंपोनेंट का, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। इसे अगर आप ब्रेक करना चाहें तोड़ दीजिए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का मतलब हुआ मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, यहाँ पर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, इसे भी तोड़ दीजिए, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, नीचे मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, यानी ब्रेक हो गया ये। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में हुआ क्या, डेफिनेशन क्या निकल के आई मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फिर से सुने, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर दोनों को ऐड करते हैं चाई ए प्लस चाई बी तो इनकी वैल्यू वन आनी चाहिए। अगर वैल्यू वन आती है, मतलब वन का मतलब नियरली इक्वल टू बना जाती, कभी कभी 0.99 समथिंग भी आती है, तो अगर वन आती है तो मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर, हमारी कैलकुलेशन राइट है। तो मोल फ्रैक्शन को मैंने बताया, मोलैरिटी बताई, और अभी आपको इससे पहले मोलैलिटी भी बताई। एक टर्म है मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज का मीनिंग होता क्या है, यानी अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो डब्लू अपॉन डब्लू परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कितना अमाउंट 100 ग्राम में घोला गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में घोला गया, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। यानी कि मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वही कहलाता है मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, यानी कि यहाँ पर अगर सॉल्यूट लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास आप समझते होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा एक तरीका। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि मोलैरिटी ये वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटेटिव बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये मोलैरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जबकि मोलैलिटी ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और मोल फ्रैक्शन ये भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर से वेरी, यानी कि टेम्परेचर इन तीनों चीज़ों में से किसको अफेक्ट करेगा, तो टेम्परेचर मोलैरिटी को इफेक्ट करता है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम को तो चेंज करता है लेकिन मास को चेंज नहीं करता। बिकॉज मास जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे, वॉल्यूम आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी हो जाता है, इसलिए मोलैरिटी वेरी करेगी लेकिन मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन वेरी नहीं करेंगे। तो कंपटीशन में अगर कभी आता है कि टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते। ये मैंने आपको बताया। अभी एक टर्म इसमें और भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ जिसका नाम है नॉर्मैलिटी।
नॉर्मेलिटी टर्म है और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी का पहले फार्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, अगर ml में है तो वही कंसेप्ट 1000 ऊपर मल्टीप्लाई, अदरवाइज लीटर में। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहां पर कि ये इक्विवेलेंट मास, क्योंकि अब इस फार्मूले को फिर लिखें तो आप ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास, लिखते रहिएगा आप लोग इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब फिर एक क्वेश्चन मन में आए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास जब तक नहीं पता होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं आपको इक्विवेलेंट मास से बता देता हूं। यहां पर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब बच्चों फिर एक समस्या तैयार होगी कि आखिरकार ये एन फैक्टर क्या है, तो मैं आपको एन फैक्टर भी बता देता हूं, तो आप इक्विवेलेंट मास आसानी से निकाल लेंगे यहां पर। तो अगर मान लीजिए हमें मोलर मास, एन फैक्टर का मतलब यहां पर होता है या तो वैलेंसी होगी या फिर एसिडिटी होगी या फिर बेसिसिटी होगी या फिर बैलेंसी हो गया, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया या फिर न, अब एसिडिटी बेसिसिटी में आपको ये भी चीज़ बता दें, एच आयन और ओ एच आयन का कंसेप्ट इसमें चलता है, ठीक है, तो इससे डिवाइड करिएगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी हो सकता है, यानी अगर बैलेंसी में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी आ जाता है। तो अब हम दो तीन आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें HCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मोलर मास HCl का आप जानते हैं 36.5 हो जाता है, और 36.5 और इसका H पॉजिटिव आयन, यानी इसमें रिलीज होने वाले H पॉजिटिव आयन 1 है, तो इक्विवेलेंट मास 36.5 ही होगा। ऐसे ही हम लोग इक्विवेलेंट मास ले लेते हैं H2SO4 का, तो ये भी आपको निकाल के दिखाते हैं। ये हो जाता है आपका टोटल मास इसका 98, इसमें दो रिलीज होने वाले H पॉजिटिव आयन है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 49 हो जाता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि नॉर्मेलिटी को आप इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो NaOH है तो इसमें आपको OH के आयन से डिवाइड करना पड़ेगा, NaOH का जो टोटल मोलर मास होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, यानी टोटल जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाता है 40, चेक करिए 40 हो जाएगा। और जब इसका टोटल मास 40 हो जाएगा डिवाइड करते हैं 1 से, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 40 ही आता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी की भी। तो मैंने आज आपको कुछ टर्म बताए इस टॉपिक में, सॉल्यूशन चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम छोटी छोटी वीडियो के थ्रू और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज मैंने डिस्कस किया आपके सामने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज। तो आप इसको पढ़िए, आज अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, घर पे बैठ के समय बर्बाद न करिए, मेरी वीडियो को के थ्रू पढ़ते रहिए, इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू।